अपना परिचय देकर स्वयं का परिचय भूल गए घटोत्कच? तुम भीम के पुत्र हो, एक पांडव पुत्र हो, जो अपनों से बड़ों की उपस्थिति में शस्त्र क्या दृष्टि तक नहीं उठाकर देखते। तुम जिस कुल से हो उसकी मर्यादा और रीति का सम्मान करो। तुम ये मत भूलो घटोत्कच कि तुम यहां अपने भ्राता के विवाह समारोह में आए, ना कि किसी युद्ध में। क्षमा चाहता हूं वासुदेव। और अंगराज तुम, ये तो बालक है परंतु तुम तो बुद्धिमान हो। तुम ये कैसे भूल गए कि ये कोई रणभूमि नहीं, और आप सब एक अतिथि, और अतिथि की मर्यादा कैसे भूल गए? प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। स्वागत है पुत्र, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब आप सब विवाह स्थल की ओर प्रस्थान करें। आओ पुत्र। अभी तो शाम यही था, कहां चला गया वो? कुमारी लक्ष्मणा, मैं कुमार उत्तर, क्या तुमसे दोषण बात कर सकता हूं? देखो अन्यथा मत लेना। वो मैं तुमसे विवाह से पूर्व बात करना चाहता था, तुम्हारे मन को जानना चाहता था। कुमारी लक्ष्मणा, ये द्वार खुला क्यों है? कुमारी लक्ष्मणा, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं? सैनिक, सैनिक, उठो सैनिक, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और कुमारी लक्ष्मणा कहाँ है? कुमारी लक्ष्मणा का अपहरण हुआ है। कैसे? मेरी बच्ची, मेरी पुत्री लक्ष्मण, उसका अपहरण हो गया। उस चलिए के पुत्र राम ने अपहरण कर लिया। कैसे? अब उस राम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पुत्री, अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊंगा सुरक्षित। आप चिंतित मत होइए, लक्ष्मणा को वापस लाना मेरा उत्तरदायित्व है। हस्तिनापुर से विराटनगर आने से पूर्व मैंने लक्ष्मणा को वचन दिया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो विलंब मत करो मित्र, शीघ्र जाओ और मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र, और उस सांब को जीवित मत छोड़ना, और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम कर्ण, किसी को नहीं। मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री सुरक्षित वापस लौटेगी। आप निश्चिंत रहिए युवराज,
जाओ मित्र। बहुत थक गई हूँ और नहीं दौड़ा जाता। मुझे कुछ देर विश्राम करना है। कदाचित तुम्हें अपहरण के विषय में ज्ञात हो गया। हमें शीघ्रता करनी होगी। चलो, जो भी मार्ग में आए उसे जीवित मत छोड़ना, परंतु सावधान, तुम्हारी लक्ष्मणा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हम तीनों यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। अब केवल एक ही मार्ग है। लक्ष्मणा, तुम रुष से इनके साथ आगे बढ़ो, मैं यहाँ रुककर इन्हें रोकता हूँ। नहीं साहब, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अन्यथा हम शीघ्र ही चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। काम कहाँ है? तुम्हें अपनी दुष्टता का दंड मैं दे के रहूंगा। शाम, पुत्र, तुम ठीक तो हो? साम, रुक जाओ साम, अन्यथा अपने नाश के तुम स्वयं उत्तरदायी होगे। ये तो पिताश्री का स्वर है। कहीं उन्होंने उसे देख तो नहीं लिया होगा। इसका अर्थ है कुमार साम गहन संकट में वृषि से। उन्हें हमारी आवश्यकता है वृषि से। हमें तुरंत ही वहां जाना होगा। नहीं लक्ष्मणा, हम लौट नहीं सकते। वे तुम्हें यहां से सुरक्षित निकालना है। तुम साम की चिंता मत कर, वो एक कुशल योद्धा है। वो किसी को भी पराजित कर सकता है। हमें यहां रुककर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलो। साम, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु युवराज दुर्योधन का मानना है कि तुम्हारा वध कर दिया जाए। मुझे विवश मत करो साम, साम मुझे विवश मत करो। रुक जाओ साम।
ये स्थान ठीक है लक्ष्मण, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, जब तक सांब या मैं आकर ना बुलाएं बाहर मत आना, ठीक है? परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी सांब, परंतु तुम नहीं माने। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो बताओ लक्ष्मणा कहाँ है। अंतिम बार पूछ रहा हूं सांब, बताओ लक्ष्मणा कहां है। ठीक तो हो ना मित्र? मेरे मित्र के होते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? अब ध्यान से सुनो, यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहां कुछ दूरी पर एक कुटिया है, लक्ष्मणा वहीं पर है, तुम वहीं जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा क्यों? तुम मेरे साथ चलो। नहीं मित्र, मेरी आवश्यकता यहाँ अधिक है। परंतु यह विवाद का समय नहीं है मित्र, तुम जाओ, क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे रोक पाना तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तुम जाओ। साम, मेरी बात ध्यान से सुनो, लक्ष्मणा का अपहरण क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे इन्हें भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाना होगा, ताकि सांब और लक्ष्मणा को यहाँ से निकलने का अवसर मिल सके। रुक जाओ सांब! तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सांब, तुझे विवश मत करो सांब, अन्यथा मेरे बाड़ों का अगला लक्ष्य तुम्हारा मस्तक होगा। Stop!
बस हो गया साम, मेरी ओर देखो साम। एक योद्धा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसके कुल को ला जाए, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने पिता के बारे में तो सोचते कि उन पे क्या बीतेगी। इस सब से लक्ष्मणा के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान भी है तुम्हें? अब भी अवसर है कि अपनी भूल को सुधार लो। लक्ष्मणा को मुझे सौंप दो सांब। मैं तुम्हारे पिता का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए यदि तुम मुझे लक्ष्मणा सौंप देते हो तो मैं यहां से तुम्हें बिना दंड दिए चला जाऊंगा और मैं तुम हो तुम, अपना परिचय दो। क्या वासुदेव के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण किया? हाँ, और उसने ना केवल लक्ष्मणा का अपहरण किया अपितु मेरे पुत्र उत्तर पर वार करके उसे घायल करने का दुस्साहस भी किया। और आश्चर्य इस बात का है कि वासुदेव अपने पुत्र के इस अधर्म पर अब भी मौन। मुझे विश्वास है यदि वासुदेव अपने पुत्र के विषय में मौन है तो उसका भी कोई कारण होगा। कारण जो भी, परंतु सांप ने हमारा अपमान किया है, घायल किया हमारे पुत्र को। आप सब हमारे समधी, क्या आप सब इस विषय में कुछ नहीं करेंगे? क्या आप भी वासुदेव की तरह मौन रहेंगे? क्या हुआ काना, आज इतना विवश मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। आश्चर्य होता है कि आज पहली बार तुम मुझसे इस खेल में हार रहे हो। क्या हुआ, कहां खोए हुए हो? मैं खोया हुआ नहीं हूं दाऊ, मैं तो बस इस चाल की पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हार जीत का निर्णय तो तब होगा दाऊ जब मुझे अपनी चाल चलने का अवसर मिलेगा। अपना परिचय दो युवा, कौन हो तुम? एक सिंह को चुनौती केवल एक सिंह ही दे सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। उसे तुम? हाँ मैं। तुम इस अधर्म में सांप के साथ हो। धर्म अधर्म और मनुष्य
परिस्थिति और निष्ठा के आधार पर परिवर्तित होते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो आपकी दृष्टि में अधर्म है, और जो आपने मेरे परिवार के साथ किया वो मेरी दृष्टि में अन्याय था। आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। एक कन्या के अपहरण में साथ देना कहां का धर्म है वृषसेन? अच्छा, तो जब लक्ष्मणा की माता का अपहरण युवराज दुर्योधन ने किया तब आपने उनका साथ क्यों दिया? क्योंकि वो आपके मित्र धर्म की मांग थी, और जो मैं कर रहा हूं वो मेरे मित्र धर्म की मांग है। वो एक फूल थी जिसका दंड मैं भोग चुका हूं, और एक पुत्री के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार केवल उसके पिता का होता है। नहीं, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार केवल कन्या का होता है, और पिता का कर्तव्य केवल इतना होता है कि वो उसे प्रेम से विदा करे। आप मुझे वचन दें, युवराज दुर्योधन लक्ष्मणा को मेरे मित्र के साथ विदा करेंगे। मैं आपको लक्ष्मणा सौंप देने का वचन दे देता हूं। ये अधिकार मेरे पास नहीं, मैंने युवराज दुर्योधन को वचन दिया है कि मैं लक्ष्मणा को वापस लेकर आऊंगा। तो क्षमा करें अंगराज, वचन निभाने का व्यसन मुझे आप ही से प्राप्त हुआ है। लक्ष्मणा को वापस देना ना देना सांप के हाथों में। सांप, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। मैं स्थिति को शांति से सुलझाना चाहता हूं, मेरी बात मानो सांप। बताओ कि लक्ष्मणा कहां है? अन्यथा मैं प्रहार करने के लिए विवश हो जाऊंगा। सांप, सावधान, मैं चेतावनी देता, आगे मत बढ़िए। ये मेरी अंतिम चेतावनी है पिताश्री, आगे मत बढ़िए, मुझे प्रहार करने पर विवश मत कीजिए। विकट समस्या में आप खेल में मग्न कैसे रह सकते हैं सखा? शनिपाद दाव। समस्या? हमारे रहते हुए कौन सी समस्या आन पड़ी? समस्या द्वारका से ही है। काम? हमें शीघ्र ही जाना होगा। कन्हा, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? बाद आओ, अपनी चाल खेल ली, अब मुझे खेलने का अवसर नहीं दोगे? खेल का अंत तो कीजिए। वहां तुम्हारा पुत्र संकट में, और तुम्हें खेल की पड़ी है कान्हा? प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है,
जिसे कर्म करने वाले को ही भुगतना होता है दाऊ। उचित है, तो मैं एक ताऊ का कर्म करने जा रहा हूं, तुम यहां बैठ के अपना खेल खेलो। सखा, आप मौन रहकर ये सब देखते ही रहेंगे क्या? मैं मौन कहां रहता हूं सखी। तो अब आप क्या करेंगे? अंत उस खेल का जो प्रारंभ हो चुका है। पीछे हट जाइए पिताश्री, अन्यथा मुझे बाण संधान करना पड़ेगा। मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र, मैं फिर से कहता हूं पिताश्री, आगे मत बढ़िए। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम कर्ण, किसी को नहीं। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए। आपको चेतावनी दी थी और मैंने सुनी भी थी। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं। तुम ठीक तो हो? दुष्यवक, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे मेरे मित्र पर प्रहार किया तुमने। ये तुम्हारा पुत्र? हाँ, ये मेरा पुत्र है। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी है कि तुम्हें कितना बड़ा अनर्थ किया है?
अपने ही पिता पर प्रहार किया तुमने, क्या यही एक पुत्र का धर्म होता है? इस समय वृषसेन के समक्ष उसके पिता नहीं विपक्षी योद्धा खड़े हैं। अब समझ में आया छलिया पुत्र, तुम्हारे ही संगति के कारण इस बालक का मन मैला हो गया है। सावधान हस्तिनापुर युवराज। मेरे विषय में आपके विचारों को मैं होने वाले श्वसुर समझकर क्षमा कर भी दूं, परंतु मेरे मित्र के विषय में एक भी अपशब्द मुझे स्वीकार नहीं है। सर, यही इच्छा लिए तू शमशान जाएगा छलिए का पुत्र, इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, तुम्हारे प्राण ले लूं, बता मेरे पुत्री कहां है लक्ष्मणा? लक्ष्मणा का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। श्रेयस्कर यही होगा कि आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार तो आज यमराज करेंगे। तेरी आहुति को दुष्ट यमराज। अब मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। आप भूल गए आपकी, आपने मुझे वचन दिया था कि युद्ध में शत्रुओं को पराजित करने में आप मेरा साथ देंगे। अवश्य दिया था, परंतु सांप कोई शत्रु नहीं है दुर्योधन, और ना ही ये कोई युद्ध है। और सांप ने जो किया वो उचित नहीं है, उसके किए पर मुझे खेद है, परंतु सांब मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।